3, 2, 1, गो। ये है असली व्यू। भगवान ने कृपा की, थोड़े से बादल हटा दिए। क्या आपको पता है अलमाती का मीनिंग क्या है? बर्फीली कोक है यार, बहुत ही सही है यार। ये देखो जबरदस्त अलमाती, तुम लाजवाब हो यार। कजाकिस्तान है सो मच टू ऑफर भाई। आ गए हम शिम्बुलक, बस से उतरते ये सर के ऊपर ही उड़न खटोले जा रहे हैं। जब उड़न खटोले सर के ऊपर है ही तो देरी किस बात की मेरे दोस्त। तो चलिए सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा स्की रिजॉर्ट देखने चलते हैं। हाँ जी, तो आज हमारा लास्ट दिन है कजाकिस्तान में। तो काफी सारी लेक्स हम घूम चुके थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज लेक ना जाके आज जाया जाए कोई एक स्नो वाली जगह। तो हम जा रहे हैं मेड्यू। मेड्यू से हमें मिलेगी केबल कार, तो वो तो आपको आगे जाके दिखाएंगे। पर यहाँ का ना ये देखो आप, आसपास का एनवायरनमेंट देखो। ये पीछे कैस्पियन यूनिवर्सिटी है, इसके आगे से हमें बस मिल जाएगी मेड्यू तक जाने के लिए। और आसपास के वादियाँ देखो, लोग देखो। तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैं हमेशा बताता हूँ बहुत ही बढ़िया है। मतलब एक्सेसिबिलिटी पूरी है। बस स्टैंड देखो कितने शानदार बस स्टैंड बनाए हुए हैं, ग्लास से पूरे कवर्ड हैं। बारिश वारिश हो तो बंदा आराम से बैठ जाए। तो बहुत ही बढ़िया आसपास का एनवायरनमेंट। और शायद हमारी बस भी आ गई है। चलो अब बस में चढ़ते हैं। ये आ गई हमारी बस, लेट्स गो। चलो चलो चले मित्रवा। तो लगभग हाफ एन आवर की बस राइड के बाद हम पहुंच जाते हैं मेड्यू। आ गया केबल कार, आ गई। ये रहा केबल कार, ये रहा शिम्बुलक भाई। ये आ गए हम शिम्बुलक, बस से उतरते ये सर के ऊपर ही उड़न खटोले जा रहे हैं। और बस स्टैंड के बिल्कुल ये सामने ये रहा इनका स्टेशन। तो चलो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कितने की टिकट वगैरह है। पर ऊपर तो मौसम मुझे बड़ा फॉगी फॉगी लग रहा है। गूगल मैप में दिखा रहा था कि शायद ऊपर स्नो भी हो रही है। सो नॉट श्योर, लेट्स गो एंड सी कि क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। टिकट प्राइस कितने का है यहाँ का? पर जगह मस्त लग रही है, व्यूज बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं एकदम। ये देखो आप वादियाँ। हाँ जी, तो हमने अपनी टिकट्स खरीद ली हैं ऊपर तक जाने की। तो इसमें दो स्टेजेस हैं, एक वन स्टेशन एक टू स्टेशन। तो हमने सोचा कि जब हम यहाँ तक आए हैं तो क्यों ना ऊपर की वादियाँ देखी जाएं। तो हमने जो टिकट्स लिए हैं ये दोनों टिकट ले ली हमने ऊपर टॉप तक जाने की। और ये देखो भाई हमारे साथ जा रहे हैं लौंडे जो स्की करेंगे, अपने स्की बोर्ड लेके जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है, इनको स्की करता हुआ देखेंगे हम। और अब चलते हैं अपना मस्त अंदर, मौज लेते हैं अब। और ये है भाई रास्ता जाने का। ये लौंडे स्कैन करवा रहे हैं अपना सामान, फिर निकलेंगे। चलो भैया हम चले। ये देखो भाई ये गैजेट इनके, स्की इनके स्कैन। चलो घूम गया आगे गंडोला, हम दोनों ही चलते हैं भाई। क्या देखेगा भाई इस, चलो आ जाओ। घुसो 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 घुसो। मौज आ गई पट्टे की, पट्टे की मौज आ गई। हो गई हमारी गंडोला बंद। तो भाई ऐसा कुछ व्यू है गंडोला से भी, तो हम बस स्टार्ट ही किए। हाँ गंडोला बहुत ही, हाँ इतने पैसे ले रहे हैं तो कम से कम निकम्मे शीशे ही साफ कर देते। ये बहुत सारी गंडोला चल रही हैं। ओ भाई नीचे देखो व्यूज, नाइस। तो भाई हम पहले स्टेशन पर आ गए हैं। उतरो उतरो मैडम, खुल गए गेट। कछुए धीरे चल रहा है। ये हम लेवल वन पे आ गए हैं जहाँ पर ऐसे इन्होंने कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखा है। और लेवल वन पे भी काफ़ी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है, पर लोगों ने उसको रौंद रौंद के काला कर दिया है। बर्फ सफ़ेद से काली हो गई है। देखो ये बर्फ की काली चादर। यहाँ से दूसरे लेवल पे जा रहे हैं, ये एक लेवल था। यहाँ से यहाँ तक की टिकट आप लेते थे वो 4000 में राउंड ट्रिप होता, 4000 टेंगे में। अब हम जा रहे हैं सेकेंड लेवल पे। और यहाँ पर वो ओपन वाली भी है देखो जा रही, जो हमने स्विट्जरलैंड में ली थी राइड। अब हम लेंगे इसमें क्लोज लेंगे, ओपन लेंगे। बारिश है तो वो भीगी होगी, ठंड भी लगेगी। क्लोज में चलते हैं भाई। चलिए चलो टिकट पकड़ाओ। ये तो गीली पड़ी हुई, सच्ची में कह रहे थे वो। हाँ गीली पड़ी है, इस पर कौन बैठे। चलो भाई इस वाली लिफ्ट में बैठो बैठो। चलो भाई चलो बाबा चलो 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 चलो। तो जी कजाकिस्तान है सो मच टू ऑफर। चाहे लेक ले लो, चाहे सिटी लाइफ ले लो, चाहे लैंडस्केप्स ले लो, या फिर आप ये शिम्बुलक की बर्फ ले लो। तो जैसा अरुण ने आपको बताया, हम लोग आ गए हैं सेकंड लेवल पे। यहाँ पर पूरी बफ ही बफ है, बफ ही बफ है, बफ ही बफ है।
कुछ दिख ही नहीं रहा है, अपने कॉन्शियस के हिसाब से ही चल रहे हैं यहाँ पर, लोगों के पैर पैर बने हुए वहीं चल रहे हैं। मजेदार जगह है। अगर आप ये इसको अपने डे ट्रिप में प्लान करना है तो आप ये शिमबुलक स्की रिजॉर्ट और कोकटोबे ये प्लान कर सकते हैं। कोकटोबे हमारा है नहीं रोप वे, क्योंकि इस मौसम में कोकटोबे वाला जो रोप वे है वहां पर आपको नीचे सिर्फ ग्रीन ग्रीन घास वही दिखेगी, जो मुझे नहीं पसंद थी। तो वहां जाने का मेरे हिसाब से तब मजा है जब स्नोफॉल के टाइम पे आप होता है, बर्फ वगैरह तो देखो। मगर शिमबुलक स्की रिजॉर्ट जो एक पॉइंट है वो भी आप कवर कर सकते हो। अच्छी जगह है, काफी अच्छी जगह है। इसका प्राइस तो आपको अरुण ने बताई दिए, 5000 टेंगे पर पर्सन। अगर आपको गर्मियों में सर्दी का एहसास चाहिए तो आप आ सकते हो शिमबुलक। हेलो गाइस, मुझे ऐसे लगता है यहाँ पर कुछ तो है, मेरी सिक्स सेंस बोल रही है। चलो खुदाई करते हैं। ये निकल गई, कक निकल गई, खोले दे। भाई यहाँ पे ना हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो गई है और हाथ फ्रीज हो गए हैं बिल्कुल ही, जबकि हम प्रिपेयर होके आए थे कि ठंड होगी। कितना डिग्री टेम्परेचर है? छह डिग्री है। देखो यार, ना बंदे की जात, और जो थोड़ी सी दूर बंदे हैं वो इतनी हेजी हैं कि वो दिख ही नहीं रहे कि बंदे हैं पीछे नहीं है, बस काली काली परछाइयां दिख रही हैं और हमारी मॉडी स्लाइड करे करे जा रही है। बहुत ही सही एक्सपीरियंस यार, मतलब टर्की में, और टर्की के बाद अभी ये बर्फ हमें अब देखने को मिल रही है, स्नोफॉल और ये स्नो, भाई साहब बहुत ही बढ़िया। अगर आप लोगों का मन है, ओ जूता गया, बर्फ जूते पूरे घुस जा रहे हैं, भीग गए ऊपर से, जूते भीग गए, अंदर भीग गए, पैर ठिठुर गए पैर। ऊपर चले, कितनी गहरी होगी आइडिया भी नहीं होगा, पता लगा दोनों दबे मिले अंदर कोक की तरह। हाँ कोक की तरह, जैसे कोक हमें मिली हम किसी को मिलेंगे। मजा आ रहा है यार पर बहुत ज्यादा ना। हाँ, काफी good, सही एक्सपीरियंस है। हल्की हल्की बर्फ पड़ रही है, दाढ़ी भी पूरी बर्फीली हो गई थी मेरी तो अभी, और चश्मा तो मैंने इसलिए लगाया कि मेरा रिफ्लेक्शन पड़ रही है, हालांकि सनलाइट नहीं है, अगर सनलाइट होती तो फिर तो दिखता ही नहीं कुछ भी, है ना। क्या बात है भाई साहब, है मोड़ी सिगरेट चल रही है मोड़ी की। क्या बात है भाई, अरे वाह भाई साहब, ये स्की हो रही है सिल्वी, स्की रिजॉर्ट में आके सिल्वी स्की कर, देसी स्की। पता नहीं नीचे एक मेरे भैया देखे, उन्होंने क्या किया, जो एरो बोर्ड लगे होते हैं ना, रुक जा बर्फ मत मारो ठंड वैसी लग रही है, क्या कर रही है यार सिल्वी, जो एरो बोर्ड लगे होते हैं ना राइट लेफ्ट वाले, भैया ने एरो बोर्ड तोड़ लिया, इंडियन भैया थे, और पता क्या किया फिर, उसको ऊपर चढ़े चूतोड़ के नीचे रखा और स्लाइड करते हुए नीचे आ गए। भैया ने मजे तो लिए, भैया ने इंप्रेशन गलत दिया ना लोगों को, है ना। एरो बोर्ड आगे जो डायरेक्शन वाले एरो बोर्ड होते हैं वो तोड़ लिया भैया ने, वो उसका था प्लास्टिक जैसा, यही यही खड़े थे भैया पीछे ही अभी कहीं, इधर तोड़ा नीचे था पर कर यहाँ रहे थे। मेरा ना अपना मन था कि इसे फ्लफी सी बर्फ कहीं दिखे तो मैं अपने मुंह का इंप्रेशन डाल के देखूं इसमें कैसा निकल के आता है। चलो बढ़िया सी वीडियो बनी है ना, कोशिश है। चलो 3.5 कर रही हूं मैं, 3-2 रुमाल भी है, 3-2-1 मैं देख मेरा मुंह कैसा बना, मम्मी सुनो क्या मेरा मुंह मजा आया, हेड निकल गई। ये देखो ये मेरा मुंह बना है, मैं भी। ए, ये रीस परी से डूब मरी थी। अरे देखा देखी सुल्लू का ही मन कर गया, चल 3-2-1 गो। ये देखो हम दोनों के मुंह, सुल्लू तूने तो बहुत गहरा इंप्रेशन दिया है। फिसल गई। मजा आ गया। बर्फ में कुछ तो बात है, क्योंकि दिल के कोने में छुपे बचपन को वो फिर से उठा देती है और हर बड़ा इंसान फिर से नन्ना बन जाता है। जिसे हम लेवल 2 समझ रहे थे, जिसे हम लेवल 3 समझ रहे थे वो लेवल 2 है। अब हम जा रहे हैं इस वाले गंडोलम बैठ के लेवल 3, तो जो हमारी टिकट है वो आगे तक की है, सिर्फ यहाँ तक की नहीं है। चलो भाई आगे देखते हैं कैसा होने वाला है व्यू। भाई जा रहा भाई स्की करने के लिए सबसे हाईएस्ट लेवल पे, अभी जाएगा जूम करता हुआ नीचे, इनका भी अलग ही नशा है सिल्वी, नहीं हाँ। इतनी ऊपर आओ और फिर 5 मिनट में जूम करते हुए नीचे, सही बात है। ये है लेवल 3। अब हम आ गए हैं 3200 मीटर की हाइट पे, यहाँ फिर भी थोड़ी ठंड कम लग रही है। हाँ, यहाँ कम हो गया, यहाँ पर मैं दिख नहीं रहा, वहाँ दिख रहा था कम से कम, यहाँ तो यहाँ थोड़ी देर में शायद दिखने लग जाए।
चलो थोड़ा आगे चलते हैं, आगे भी लोग हैं ही हैं, चलो हम भी चलते हैं। भैया अपने स्केटबोर्ड को सेट कर रहा है और अब यहाँ से जुर्र करता हुआ भागेगा भाई मस्त तरीके से। नाइस, ये तो हो गया भाई चालू, धक्का दे दे के कहाँ निकलेगा भाई बैग लेके। हाँ ओए भाई की गाड़ी चालू हो गई भाई, बिना उसके पेट्रोल, बिना पेट्रोल की गाड़ी है भाई की। भाई ने टांगा बस्ता और भाई थोड़ी देर में विलुप्त हो जाएगा, बाय भाई स्वर्ग में पहुंचने वाला है। ए भैया गया 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 गया, गायब हो गया भैया, गया भैया। पहली बार देखा मैंने किसी को टेक ऑफ करते हुए ऐसे, मैंने पहली बार देखा था गायब होते हुए। तो भाई ये हम बैठे हैं लेवल 3 पे, कहीं और बैठने की जगह नहीं मिली। जो ये इनके झूले हैं, जो इनकी क्या बोलते हैं इनको, गंडोलाज हैं, ओपन गंडोला, इसका नाम क्या मुझे नहीं मालूम, स्क्रैपर स्काई स्कैनर जो भी है नाम, इसमें बैठे हैं। और ये है लाइफ एट इट्स बेस्ट, यहाँ बैठ के ये हम घर से नमकीन, ये बना के सैंडविच, और ये हमारी फैंटा रसना, हाँ हाँ मतलब लोकल फैंटा। ये रसना, ये है मजा असली जिंदगी का। तो ये भाई ये मजा आ रहा है, अब यहाँ लोग कम है क्योंकि लेवल 3 थोड़ी एक्सपेंसिव टिकट थी, जो हम जो लेवल 3 समझ रहे थे वो 2 था, वहां तक की 4,000 थे, यहाँ तक की 5,000, बहुत ही बढ़िया है। लोग हैं यहाँ पर यहाँ पे बर्फ ज्यादा वाइट है, कम गंदगी है। और ये भैया भी टेक ऑफ कर गया यहाँ से, तब हम थोड़ी देर यहाँ खाना पीना खाएंगे, मजे मारेंगे, फिर कहाँ लेके जाएंगे हम, पार्क है ना कोई, जो तुम बताती बेस्ट पार्क ऑफ अलमाती, क्या नाम है, प्रेसिडेंशियल, फर्स्ट प्रेसिडेंशियल पार्क, जिसे बोलते हैं कि अगर आप वो पार्क चले गए यहाँ के तो बाकी सारे पार्क फीके हैं उसके आगे, ऐसा सुनता है। याद है हम अभी सेंट्रल पार्क भी गए थे। हाँ तो हम सोच रहे हैं कि वो भी कवर करें, आपको दिखाएं बढ़िया से, अगर आप आओ अलमाती तो आप भी 5-7 चीजें घूम पाओ, नहीं तो आप घर बैठे बैठे घूम ही रहे हो हमारे साथ साथ, है ना, मजा आ रहा है तो कॉमेंट करके जरूर बताओ ताकि हम अगली बार से इम्प्रूव कर लेना। ठीक है जी, चलो खाना वाना खा लेते हैं फिर हम, मेरे को देना एक बाइट इसकी, ये गिरेगा नीचे निकल जाएगा मोटे। ये व्यू है देखो यहाँ पे यार स्नो का, ये जबरदस्त पहाड़ दिख रहे हैं ऊपर, मजा ही आ रहा है। ये है असली व्यू, भगवान ने कृपा की थोड़े से बादल हटा दिए, और अब देखो जो तियान चांद रेंज गगन कहरी शायद है वही रेंज, बिल्कुल जड़ में खड़े हैं आगे हम कजाकिस्तान के बर्फीले पहाड़ की जड़ में, बहुत ही सही है यार। मतलब इस ट्रिप में सब कुछ कवर हो गया हमारा, समुद्र भी देख लिया हमने, लेक्स भी देख लिए, गर्मी भी हल्की सी देख ली, ठंड भी देख ली, सब देख लिया यार, लैंडस्केप देख लिए, सब देख लिए, गंडोला ही गंडोला घूम बैठे इस ट्रिप में तो हम, वेरी नाइस। ये देखो आप, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया है यार, दिल खुश हो गया यार। चलें फिर अब हम नीचे उतरने का समय हो गया, 3 बज गए, 4 बजे तक ये वाली चलती है गंडोला, कहीं ऐसा ना हो फिर ट्रैक करके उतरना पड़े इस बर्फ पे। चलो अब नीचे चलते हैं, सफर सफर का ही था मैं, सफर में चला, इधर का ही उड़ा उधर का रहा, सफर का ही था मैं सफर का रहा। जूते एकदम गीले चोच हो गए हैं, ये देखो स्लाइड स्लाइड होती जा रही है अपने आप ही, इधर का ही होना उधर का रहा, सफर का ही था मैं सफर का रहा। तो जी अब हम 2 केबल कार बदल के नीचे वाले फ्लोर पे आ गए, जहाँ पर आपको बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप 3-4 घंटे ऊपर स्पेंड कर रहे हो, अगर बच्चा वगैरह है आपके साथ या सीनियर सिटीजन है तो भूख तो लगनी बनती है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर खाने पीने के ऑप्शन है, यहाँ पर शॉपिंग के भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आके थोड़ा हैपनिंग सा लग रहा है, ऊपर माहौल बहुत ही ज्यादा ठंडा था, यहाँ इतना ठंडा नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट शिमला एक ऐसी जगह है जो आप अपनी यू नो कजाकिस्तान वाली आइटनरी में डाल सकते हो। आई लाइक दिस प्लेस, पहले इसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया था, कुछ और डाल दिया था मैंने इसकी जगह, बट मुझे लग रहा है कि ये जो भी होता है ना, इट्स ऑल फॉर द गुड। तो ये बहुत सही जगह है अगर आपको बर्फ वगैरह से थोड़ा प्यार है, वैसे मुझे पता बींग एन इंडियन, इंडियंस को बर्फ से प्यार होता ही है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों का प्लान यहाँ पर जरूर बनेगा, बनना भी चाहिए, अच्छी जगह है। तो आप देखो पीछे यहाँ पर अगर कुछ सुविनियर्स लेने हैं तो पीछे सुविनियर्स वगैरह की भी शॉप है, खाने पीने के बहुत ऑप्शंस हैं आपके। तो ये जो वापसी वाली जो कार है ना, ये चलती रहती है, देखो राउंड 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 चलती रहती है, जब आप जा रहे हो तभी आपको अपना वो स्कैन करना है, वापसी में तो गेट खुले ही, आप बस एंट्री करो और कोई भी चलती हुई केबल कार में जाकर बैठ जाओ।
ओवरऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. वी स्पेंट ऑलमोस्ट, हमने अरुण कितना आई थिंक साढ़े तीन घंटे हमने यहाँ पर स्पेंड कर दिए. टाइम को सच्ची में पता भी नहीं चला. खाना वाना भी खा लिया ऊपर जो हम बना के लाए थे. अब हल्की हल्की और भूख लग रही है. तो अभी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चलते हैं. अभी नीचे डिस्कस करते हैं क्या, क्योंकि ना थोड़ा सनी डे नहीं है आज, थोड़ा सा हेजी सा डे है. सो लेट्स एक्सप्लोर. और आज हमारा लास्ट डे भी है. देखते हैं नीचे पहले उतरते हैं और रोड का माहौल देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद आगे डिसाइड करेंगे. तो प्रेसिडेंशियल पार्क जाने के लिए हमने फिर से 12 नंबर की बस पकड़ी और हम दोस्तिक एवेन्यू उतरे थे. और यहाँ पर उतरते यार ये बड़ी प्यारी सी मार्केट आई है. एक बार आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ. यहाँ बड़ी मस्त वाइब्स आ रही है, यहाँ की मजेदार है. ये देखो छोटे छोटे से कियोस्क बनाए हुए हैं, बीच में फुहारा जो भी चल नहीं रहा है. ये देखियो ये कियोस्क का नाम ही देखो मंगल भाई साहब. ये लगता है कोई इंडिया से आया भैया. ज़ेब्रा कॉफी मस्त लग रहा है. सामने हमें एक बड़ी बढ़िया सुपर मार्केट दिख गई है, मैग्नम सुपर मार्ट. चलो वहाँ चलते हैं. वहाँ से हम सोच रहे हैं कि जैम ले लें, यहाँ का एक जैम बड़ा फेमस है. तो जैम लेंगे, चाय लेंगे, चाय बड़ी फेमस है, कुछ खाने को मिलेगा वो लेंगे. पर मज़ा आ रहा है यार. ये देखो आप, ये यहाँ की मार्केट की वाइब्स देखो. चलो अब सुपर मार्ट के अंदर चलते हैं. तो हम ये मॉल में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आए हैं, तो बहुत ही बड़ा है. और मज़े की बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारा वेजिटेरियन खाना है. गूगल लेंस लिया, गूगल लेंस से स्कैन करा, उसके ऊपर डिश का नाम आ गया कि वेजिटेरियन है नहीं है. तो बहुत सारे ऑप्शन है वेजिटेरियन के, मतलब सैलड है, ड्रेसिंग है, पीछे पुलाव भी है, मतलब वेजिटेबल पुलाव टाइप भी है, बेक्ड आलू भी है, फ्राइड आलू भी है. तो ऐसा लग रहा है कि डब्बा में पैक करा सकते. मैं ना वही देख रही हूँ कि आंटी कैसे पैक करा रही है. हमारी मॉडी ने गूगल ट्रांसलेट की मदद से दीदी को समझा के कुछ खाना पैक करा दिया. इशारों में बात कर रही है, खाने का जुगाड़ हो गया आज का. भाई मॉल में ही खरीदा और वहीं बैठ के आराम से बिलिंग कराने के बाद खाना चालू. हाँ बिलिंग करा ली है, ऐसा मत सोचना लड़की बिना बिलिंग कराए खा रही है. चलो भैया इंजॉय करो तुम्हारा लंच. क्या आपको पता है अलमाती का मीनिंग क्या है? अलमाती का मीनिंग है, अगर मैं इसकी संधि विच्छेद करूं तो वो होता है अल्मा प्लस अता. तो अल्मा प्लस अता का मतलब होता है फादर ऑफ एप्पल. ऐसा बोलते हैं कि 7.5 लाख साल पहले जो पहली बार जब एप्पल की उपज हुई थी वो कजाकिस्तान के अलमाती में हुई थी. इसलिए यहाँ के एप्पल जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है. नहीं सुंदर लग रहा है यार, जिस मर्जी कंट्री में चले जाओ बड़ी सुंदर लगती है. देखो आप बिल्डिंग्स देखो, ये सब देखो, जरा पटंकी सी कंट्री है. नहीं हमारा इतना बड़ा है. हाँ हम तो इससे बड़े हैं, एरिया में भी बड़े हैं, पॉपुलेशन में बड़े हैं. चलें क्रॉस कर लें. आ जाओ. कितनी बढ़िया यार देखो वाइब्स देखो, ये सिटी देखो आप. वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल. हमें बड़ा टाइम अंडरपास क्या शानदार क्वालिटी का बना हुआ है, शानदार क्वालिटी. ये अंडरपास देखो भाई, सिर्फ मेरे कैमरे में देख के मजा आ रहा है. मतलब ऐसे यहाँ पर ना इंडिया की तरह जगह जगह पॉलिटिशियंस के पोस्टर, बस में पॉलिटिशियन के पोस्टर ये नहीं लगे. आई थिंक वो पैसा बचाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं. हाँ यार बहुत ही सही है यार. ये देखो जबरदस्त अलमाती, तुम लाजवाब हो यार. अलमाती की सड़कों को निहारने के बाद हमने पकड़ी पब्लिक बस और चल दी हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो कि था फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क. तो जी आज का हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो है फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क, जो कि हम आ गए हैं बस पकड़ के. बस नंबर हमने ली थी 38. कहाँ से ली थी हमने? दोस्तिक एवेन्यू से हमने 38 बस नंबर ली. आधा घंटा लगा, 400 टेंगे लगे दो बंदों के और हम लोग पहुंच गए यहाँ पर. बहुत ही सुंदर पार्क है. और ये जो पार्क है बेसिकली ये पूरी सिटी अलमाटी सिटी का सबसे बड़ा पार्क है. हमारी लिस्ट में पहले ये था नहीं, बट हमें अभी जो हमने दो दिन वाला ट्रिप करा था हमें बहुत सारे हमारे इंडियन फ्रेंड्स बन गए थे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पार्क में जरूर आना, चाहे आधे घंटे के लिए आओ बट एक बार झांकी जरूर मार के जाना क्योंकि बहुत सुंदर पार्क है. तो इतनी तारीफ हुई इस पार्क की. तो अभी तक मेरी लिस्ट में तो वो कौन सा पार्क था अरुण? सेंट्रल पार्क, सिटी सेंट्रल पार्क, ये था ना सेंट्रल पार्क ही था अभी तक हमारी नजर में अलमाटी का, कि वो बहुत सुंदर है जिसमें जू भी था. उन्होंने बोला कि यहाँ पर जरूर आना, तो इसलिए हम आ गए यहाँ पर. एक और चीज पता चली है, जो वो रेंज थी ना अभी हम सुबह गए थे शेम्बुलक, कौन सी रेंज होती है वो? अल्ताओ माती अलमाती रेंज. तो अलमाती रेंज के फुट हिल्स पे है ये पार्क. और यहाँ पर जो है वो एप्पल ऑर्चिड भी है इधर. तो इसलिए अब हम आ गए हैं पार्क के दर्शन करने. रात होगी ऑब्वियसली हमें पता है, 11 बजे पार्क जो बंद हो जाता है. तो एक बार अंदर चलते हैं और देखते हैं कितना हमें समझ आएगा और कितना सुंदर है ये पार्क. ऐसे भी देखो उन्होंने घुसते ही अपना एप्पल गिरी दिखा रखी है भाई, एप्पल गिरी. हाँ क्योंकि इनके फेमस है ना एप्पल, ही एप्पल के फादर है. आज हमें पता लगा कि, और फिर लड़की ने खरीदा भी एप्पल. अगर एप्पल के फादर है तो फिर एप्पल तो खाएंगे ही खाएंगे. एक एप्पल पड़ा मेरे को मोटा मोटा, कितने का था? 55 रुपए का था ना. हाँ
तो मैंने कहा अच्छी क्वालिटी का ही ले लेते हैं, ले रहे हैं तो। चलो भाई ये है इनका प्रेसिडेंट पार्क। तो भैया ये है हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट का पार्क। पार्क में कैसा लग रहा है आके गगन? बढ़िया बढ़िया, झूले भी हैं इधर। क्या तुम हो गई हो मगन? मैं तो मगन ही रहती हूँ। मगन ही रहती हो? तो भाई ये है आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क, और जैसा गगन ने बोला यहाँ पर आइसक्रीम की शॉप है, छोटा सा रेस्टोरेंट है, काफी शॉप है, तो ये यहाँ का हिसाब किताब है। पार्क तो जी देखो सुंदर है, एक तो एक अंधेरा भी हो गया है तो हमें वो शायद इतना समझ नहीं आया। इससे ज़्यादा बेटर ना हमें सेंट्रल पार्क लगा। ये ओके ओके ही है, मतलब आप आ सकते हो, बाहर गेट ज़्यादा डेकोरेटिव है, ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अंदर हमारे हिसाब से। ठीक है, एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप बिग अलमाटी लेक का वो जो आप ट्रैक स्टार्ट करना चाहते हो तो उसका भी जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर है ना, वो भी फर्स्ट प्रेसिडेंशियल पार्क के आसपास ही होता है भाई। तो आप वो यहाँ पर आकर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बाइक इलेक्ट्रिक बाइक से जाना है तो कितने में पड़ती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। 15,000 से 20,000 टेंगे पर पर्सन पर बाइक का कुछ इस हिसाब से हिसाब पड़ता है, वो मैं इन्फॉर्मेशन वाले ब्लॉग में आपको बताऊँगी। और इसके अलावा तो बस यही है जी, इतना तो हमें तो नहीं लगा इतना कुछ खास आपको शायद ये भी रीज़न हो सकता है हम लेट आए हैं, वो तो अंधेरा ही हो चुका है पूरा, फुहारे फुहारे हल्के फुल्के चल रहे हैं, ये वाले तो बंद ही हो गए हैं, चल रहे थे क्योंकि गीला रखा है नीचे, अब ये बिल्कुल क्लोज है। तो अगर आप आओ इधर तो दिन में ज़रूर आना एक बार। ठीक है जी, तो अभी हम चलते हैं आगे और अपनी बस पकड़ते हैं और अपने हॉस्टल चलते हैं। तो अपने हॉस्टल जाके हमने उठाए अपने मेमोरीज के भरे हुए बैग और वापस निकल दिए हमारे वतन भारत की ओर। तो अगली वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने 5 दिन कजाकिस्तान में कैसे बिता सकते हैं, तो उसको जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड दिस इज वेजी वंडर साइनिंग ऑफ।